सर, एक आजकल मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में है कि पेरेंट्स जो है ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में फीस भरने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कई जगह से शिकायतें भी आई हैं, कई जगह पर उसको लेकर विरोध भी हुआ है जी। किस तरह की आप हालात देख रहे हैं? क्या फीस को ऑनलाइन एजुकेशन के तौर पर कहीं ना कहीं अलग तरीके का सिस्टम कोई अडॉप्ट करना चाहिए क्या, या जो ये विरोध हो रहा है उसे आप वाजिब मानते हैं? अभी जैसे फाइनेंशियल को लेकर हम देखेंगे तो स्कूल्स के अपने खर्चे हैं, जैसे सैलरीज है स्टाफ की, टीचर्स की, मेंटेनेंस का खर्चा है, ड्राइवर्स का खर्चा है, क्लीनर्स का खर्चा है, फिर जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो पैरेलल चल रहा है खर्चा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर कुछ एक स्टडी करके, एक डिसाइड करके पूरे स्कूल्स को, पेरेंट्स को मिलाकर एक टेंटेटिव ओपन कर दे कि भाई इस तरह का फीस का क्राइटेरिया रहेगा और ये फीस गवर्नमेंट कर्टेल करेगी, इरेस्पेक्टिव कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, ये चीज़ों को पेरेंट्स को भरना नहीं रहेगा और ये वो भर सकते हैं। बेसिकली अगर हम ट्यूशन फी तक सीमित रखें या कुछ और लगता है कि भाई ये एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट को ध्यान में आता है तो वो एड ऑन करके प्राइवेट स्कूलों को उतना ही कलेक्शन करने तक सीमित दें, तो स्कूल का भी अपना काम जो आसान हो जाता है। पेरेंट्स अपने दुविधा में है कि हम गवर्नमेंट जब तक कुछ टेंटेटिव क्लियर नहीं करता है तब तक वो फीस नहीं भर सकते।